Hello beautiful souls, my name is Mayuri and you are watching Witty Creativity. So today's video is going to be very special and interesting. I was planning for this video since a very long time. As we all know, birthday celebration is something which delights us a lot. Whether it is of our own birthday or of our dear ones, birthdays always bring in us a shiver of excitement and joy. And when it comes to first birthday of our child, it has to be special. But unfortunately, my daughter's birthday was around the first lockdown, that is on 1st April. And as you know, around that time, everything was closed. Not even a single shop was open at that time. It made me very disappointed. But then I said to myself, Mayuri, it's your daughter's first birthday and you have to make it very special at any cost. So I collected all the things that I had in my house. तो मैंने सारा कुछ डेकोरेशन है खुद ही से घर पे ही बना लिया, जो भी अवेलेबल चीज़ें थी मेरे पास उनसे. मेरे दिमाग में बस यही एक चीज़ थी कि किसी भी तरह मुझे बहुत कुछ सुंदर बनाना है ताकि ये जो मेमोरीज होती हैं वो एवर लास्टिंग हमेशा के लिए रह जाती है. तो मैंने सोचा कि why not I share with you guys so you also get some ideas. So yeah, without wasting any time, let's get started. So our first DIY is this name decoration. आप जिस किसी के लिए भी ये बना रहे हैं उसका नाम हम किस तरह से डेकोरेट करके बना सकते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगी. तो मैंने यहाँ पर रीयूज़ किया है मेरे डॉटर के नामकरण के कार्ड्स, जो इनविटेशन कार्ड्स थे जो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे. सिंपली आई हैव फोल्डेड द कार्ड इनटू हाफ, देन ऑन द बैक साइड ऑफ इट मैंने लेटर्स एक पर्टिकुलर हाइट में, सेम हाइट पे लेटर्स लिख लिए. जो भी आपके बिलवड का नाम है वो आप लिख लें. एक कार्ड पे दो लेटर इजीली बन जाएंगे. तो इस तरह से मैंने डी लेटर लिख लिया है. अब बात करेंगे ऐसे लेटर्स की जिसके मिरर इमेजेस ऑपोजिट आते हैं. जैसे आप मिरर के सामने ए लेटर होल्ड करेंगे तो ए ही दिखेगा, ओ ही दिखेगा. लेकिन कुछ लेटर्स होते हैं जिसके मिरर इमेजेस उल्टे दिखते हैं, तो उन लेटर को लिखते हुए हमको बहुत केयरफुल रहना है. जब मैंने बनाया था तो मुझे एस और वाई की मुझसे गलती हो गई थी. जब मैंने कार्ड पर उसको लिख कर पलट दी, बनाने के बाद काट कर पलटा, तो वो उल्टे दिखने लगे, एस उल्टा दिखने लगा. तो आपको करना क्या है, एन मैं आपको बता रही हूँ, एन का आपको लिखते वक्त उसे उल्टा लिखना है ताकि आप पलटेंगे तो वो सीधा आएगा. तो आप देख सकते हैं एन को मैंने उल्टा लिखकर काटने के बाद पलटा, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. इसी तरह हम अपने सारे लेटर्स रेडी कर लेंगे. जो भी आपको नाम लिखना है वो आप रेडी कर लें, फिर उसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसा डेकोरेट कर सकते हैं. रिबन्स लगा या ऐसे ही लगाएंगे तो भी वो अच्छा ही दिखेगा. So in this way our first DIY is ready and it's actually looking so colorful and lively. Coming to our second DIY, string banners. As it is my daughter's first birthday, I'll be displaying I am one on the strings. तो इसके लिए मैंने लिए हैं कुछ पुराने वेडिंग कार्ड्स. इसको मैं वाइट और पर्पल इस थीम में बनाऊंगी. इनफैक्ट सारा डेकोरेशन इसी कलर थीम पे है. तो मैं अभी यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ, फिर हम उसी शेप को कट करके बाकी सारे शेप्स ट्रेस कर लेंगे. तो हमारा फर्स्ट कटआउट रेडी हो गया है. आप शेप देख लें,
अब मैं क्या करूँगी, ऐसा ही शेप वाइट कार्ड पे बना लूँगी। तो बेसिकली हमको एक पर्पल एक वाइट, पर्पल एक वाइट, ऐसे अल्टरनेट कलर में हम स्ट्रिंग रेडी कर लेंगे। फिर ये जो पर्पल कलर का कटआउट है इसके ऊपर हम वाइट कलर के लेटर से लिखेंगे। पहले वो लेटर हम लिख कर कट करके इस पर चिपका लेंगे और वाइट वाले पे हम पर्पल कलर के लेटर को काट कर चिपका देंगे। मेक श्योर दैट ऑल द लेटर्स यू आर राइटिंग शुड बी अंडर द सेम हाइट। फिर इसके बाद हम उस लेटर को लेकर बीचों बीच उस कटआउट के सेंटर पे चिपका देंगे और उस दो होल्स पंच कर लेंगे। After that, we'll pass a string through the punched holes, forming an alternate pattern of a purple shape and a white shape. इस तरह से हम अपनी string ready कर लेंगे और बीच में मैंने plain shapes ऐसे ही रखे हैं और उस पर cartoon stick कर दिए हैं from the same नामकरण cards. इस तरह से हमारी आई एम वन वाली स्ट्रिंग रेडी हो जाती है और इसी के जैसे मैंने एक और स्ट्रिंग बनाई है विथ ट्रायंगुलर पैटर्न्स, एक पर्पल और एक वाइट। इस स्ट्रिंग को हम ठीक आई एम वन वाली स्ट्रिंग के नीचे या फिर ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपके पास वेडिंग कार्ड्स नहीं हैं तो आप सिंपली कार्डबोर्ड के ऊपर वाइट पेज चिपका के इसके ऊपर नेम लिख सकते हैं या फिर हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, जो चाहे वो आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। फिर ये जो आप स्ट्रिंग्स के साइड में दो सिलिंड्रिकल शेप्स देख रहे हैं वो कैसे बनाया है वो देखते हैं। उसके लिए मैंने सिंपली वही कार्ड्स को फोल्ड कर लिया है और सेलो टेप से चिपका दिया है और स्ट्रिंग्स के साइड में लगा दिया है। आई लव द वे बोथ द स्ट्रिंग्स टर्न आउट टू बी सो चेयरफुल एंड द कलर कॉम्बिनेशन इट्स रियली रॉकिंग। चलिए अब देखते हैं किस तरह से मैंने ये वन और बो, उसके नीचे जो बो दिख रहा है वो बनाया है। एज इट इज फर्स्ट बर्थडे डेकोरेशन दैट्स वाई वन। तो इसे बनाने के लिए आई हैव यूज्ड द सेम वेडिंग कार्ड द पर्पल वन। सिंपली आई हैव कट इट इन द शेप ऑफ वन एंड फोल्डेड इट फ्रॉम द अपर एज। और वो बनाने के लिए मेरे पास एक क्लोथ कटआउट था जो मेरी थीम से मैच कर रहा था। सिंपली मैंने बीच में से उसे पकड़कर पिंच करते हुए फोल्ड कर लिया है और एक पर्पल सैटिन रिबन से उसे बांध दिया है बीच से। अगर आप चाहे तो बो के अलावा आप क्राउन बना सकते हैं, क्राउन शेप आप उस वन के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। मूविंग टू आवर लास्ट DIY दैट इज केक टॉपर। ये वाला जो केक टॉपर आप पिक्चर में देख रहे हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है। सिंपली जैसे मैंने पहले DIY में लेटर्स वर्ड्स लिखे हैं उसी तरह लिख कर आपको इसको सिंपली कटर से काट देना है। नॉट दैट मच हार्ड। लेकिन अब मैं आपको कुछ अलग टाइप का केक टॉपर बनाना सिखाऊंगी। तो इस वाले केक टॉपर के लिए हैव यूज्ड अगेन द सेम वेडिंग कार्ड। उसके ऊपर मैं क्लाउड शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ विद हेल्प ऑफ पेंसिल। फिर हैप्पी बर्थडे लिख लेंगे पेंसिल से ही। फिर वाइट एक्रेलिक या पोस्टर कलर से हम हैप्पी बर्थडे अच्छे से लिख लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो थीम है पर्पल एंड वाइट वो भी इसमें कवर हो जाता है।
फिर करना क्या है, टूथपिक या फिर कोई स्टिक ले लेंगे और उसको पीछे साइड से चिपका लेंगे और सामने साइड से द सेम टेडी बियर और जो शेप नामकरण कार्ड्स में से है वो हम कटआउट करके इस पर लगा देंगे। सो आप देख सकते हैं ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, मैंने एक और टॉपर बना लिया है। तो आप अपने हिसाब से अलग अलग शेप में जैसे आपकी क्रिएटिविटी यूज़ करें और ये क्यूट क्यूट से केक टॉपर्स घर पर ही बनाएं। तो इस तरह से हमारा पूरा डेकोरेशन का सेट रेडी हो जाता है। आप इसे जैसे मैंने अपने फोटोज़ में देखा उस तरह से चिपका दीजिए एंड टू कंप्लीट द लुक यूज सम बलून्स फॉलोड बाय सैटिन रिबन्स। थोड़ा सा ट्विस्ट करके आप बलून्स के नीचे सैटिन रिबन्स सेम पर्पल कलर के लगा दीजिए। आप कोई भी थीम यूज़ कर सकते हैं, मैंने पर्पल एंड वाइट यूज़ किया है, आप पिंक वाइट ले सकते हैं। आप If you are doing it for a boy, आप ब्लू गोल्डन ब्लैक गोल्डन ये सारा कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज़ करें। फिर उसी डेकोरेशन को मैंने फिर से रीयूज़ किया। आप ये बैकड्रॉप जो देख रहे हैं, मैंने जो सेकंड स्ट्रिंग है वो यहाँ पर लगा दी, एक थॉट लिख दिया उसी के कॉम्बिनेशन में, कुछ फ्लावर्स लगाए हैं वाइट एंड पर्पल कलर, वो यहाँ मैंने कैंडल स्टैंड के सामने रख दी। तो आप देख सकते हैं ये डेकोरेशन वेस्ट नहीं होगा, आप इसको इस तरह से रीयूज़ भी कर सकते हैं। So I hope you like this video. Give it a big, big thumbs up. Don't forget to like, share and subscribe. See you very soon. Till then, bye-bye and take care.